कोरोना महामारी अब यूपी सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती हो गई है। यूपी में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि यूपी प्रशासन ने दिल्ली के तर्ज पर अब यूपी में टेस्टिंग को लेकर कमर कस ली है। कोरोना के रोकथाम और इसके संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोक लगाने के लिए प्रशासन ने रैपिड टेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें खर्चा कम और रिजल्ट जल्दी मिल जाता है और सुयाब टेस्ट के मुकाबले खर्चा भी बहुत कम आता है। फिलहाल आबादी के हिसाब से यूपी में टेस्टिंग संतोषजनक नहीं है, लेकिन एंटीजन टेस्टिंग सिस्टम से आने वाले समय में काफ़ी फर्क पड़ेगा। सूत्रों की माने तो यूपी प्रशासन इस तकनीक के इस्तेमाल से रोज़ाना 26,000 से 30,000 टेस्ट करने के प्लान में है। पिछले 24 जून से ही ICMR की ओर से हेल्थ टीम और लैब टेक्नीशियन को एंटीजन टेस्टिंग किट के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही थी। दिल्ली की तरह ही नोएडा में भी एंटीजन टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। मैं मौजूद हूं नोएडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहां पर एंटीजन जो टेस्ट है वो हो रहे हैं। आप मेरे ठीक सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये स्क्रीनिंग कक्ष है COVID-19 का, जो कि राइट साइड में है। वहीं आइसोलेशन वार्ड जो है वो बनाया गया है लेफ्ट साइड में, और उसके साथ ही साथ जो इमरजेंसी वार्ड है वो नीचे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे इमरजेंसी वार्ड जो है वो बनाया गया है कि जिनको कोई और समस्या हो वो यहाँ पे दिखा सकते हैं, जबकि जो कोविड के जो केसेस हैं उनके लिए जो है ऊपर के जो फ्लोर हैं वहां पर उनके लिए बनाया गया है। इस पूरे एरिया में एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। जितने भी जो लोग, जो मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं उनके भी अंदर के तरफ एंटीजन टेस्ट जो है वो सबके हो रहे हैं। ना कि सिर्फ नोएडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बल्कि दनकौर, दादरी में भी जो एंटीजन टेस्ट जो है वो शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि इस टेस्ट की खासियत यह है कि ये RT-PCR की तरह 24 घंटे या 48 घंटे के बाद रिपोर्ट नहीं देता, बल्कि आधे घंटे के अंदर ही उसकी रिपोर्ट जो है वो आ जाती है। कम से कम ये पता चल जाता है कि कोविड को लेकर जो है लक्षण है या नहीं, या उस तरह की जो चीजें हैं वो बता देता है, तो वो काफी फायदेमंद रहा है। और इसी को देखते हुए पूरे नोएडा में जगह जगह पर डे वाइज जो है प्रशासन ने यहां पर एंटीजन टेस्ट की जो शुरुआत है वो की है। और फिलहाल नोएडा की बात करें तो नोएडा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर एंटीजन टेस्ट जो है वो हो रहे हैं। साथ ही साथ दादरी में जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, दनकौर के साइड में जो बनाए गए हैं, वहां पर भी एंटीजन टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो मामले हैं उसको पकड़ा जा सके और उसको तुरंत रिकवरी की तरफ उसको ले जाया जा सके, ताकि जल्द से जल्द COVID-19 के जो केसेस हैं उसको नोएडा में रोका जा सके। कैमरामैन रविकांत तोतवार के साथ रोहित मिश्रा, नोएडा।